साल 2019 के अंत में दस्तक देने वाले कोविड-19 वायरस के बारे में जैसे ही बात होती है, वैसे ही लोगों को पूरे विश्व में फैला मातम का वो मंजर याद आ जाता है जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि लंबी तालाबंदी और तमाम तरह की प्रिकॉशंस लेने के बाद बहुत मुश्किल से इस स्थिति पर काबू पाया गया था, पर अब भी अक्सर कोविड-19 का कोई ना कोई नया वेरिएंट सामने आता ही रहता है। ऐसे में एक बार फिर देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं और इसके लिए हाल ही में डिटेक्ट हुए पिरोला वेरिएंट से बना सब वेरिएंट JN.1 को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य से अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, यह ओमिक्रॉन फैमिली से है, इसलिए उसी की तर्ज पर इसका प्रसार होना भी संभव है। हालांकि अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि सर्दी में वायरस तेजी से फैलता है। अभी तक कोविड के इस नए वेरिएंट के जितने मामले सामने आए हैं उनमें से 90% केरल से हैं। वहीं अगर लक्षणों की बात करें तो ये वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन करता है और इम्यून सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। इसके लक्षण भी पिछले वेरिएंट्स की तरह ही हैं, इसमें बुखार आना, गले में खराश, खांसी और सिरदर्द जैसे कई लक्षण शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।